ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशी और आप देख रहे हैं बाउंड्री इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के लिए कौन से हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग वाले स्टॉक होंगे, किस में हम ट्रेडिंग करेंगे, बाय साइड वाले कौन से स्टॉक होंगे, सेल साइड वाले कौन से स्टॉक होंगे, ये सब। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। हाल फिलहाल हम इंडिकेटर पे सीरीज बना रहे हैं, बाद में उसमें स्ट्रेटेजी ऐड करेंगे, बाद में अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो प्राइस एक्शन भी ऐड करेंगे। तो क्या है कि अगर आपको ये सब लर्न करना है, नॉलेज लेना है ये सब के बारे में, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके लिए सिंपल तरीका है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे दबा दीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि आज की जो हमारी वॉच लिस्ट थी उसने कैसा परफॉर्म किया है, कौन कौन से जो स्टॉक थे जो हमारे हिसाब से चले, कौन से हमारे हिसाब से नहीं चले, वो सब। तो पहला था हमारा SBI बैंक। अगर आपने SBI बैंक स्टार्टिंग में ही ले लिया होता, मतलब जैसे ही मार्केट ओपन होता है आपको बुलिश दिख रहा है SBI बैंक, तो आप वैसे ही ले लेते तो आपको क्या है कि अच्छे टारगेट मिल गए थे। मतलब क्या है कि एक अच्छा सा इसने पहली 10 मिनट में ही मूव दिया था, बाद में ये डाउन आना स्टार्ट हो गए, बाद में स्टेबल हो गया। इन सिंबल अगर आपने SBI बैंक मॉर्निंग में ही ले लिया होता तो आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता था इसमें। बाद में जो हमारा दूसरा स्टॉक था वो कैडिला था। तो कैडिला ने एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। हमारे एक क्या है कि क्लाइंट ने भी कैडिला लिया था, पहली कैंडल जैसे ही फिनिश हुई थी उसके बाद उसने बाइंग की थी, तो थोड़ा नीचे आया था, बाद में सडनली भी थोड़ा नीचे आया, बाद में सडनली। इन सिंपल कैडिला के लिए जो बाइंग साइड थी वो परफेक्ट थी, मतलब जो हम सोच रहे थे वही हुआ कि कैडिला ऊपर की साइड जा सकता है, तो इन सिंपल वही हुआ। कैडिला एक अच्छा मूव दिया और अच्छा सा प्रॉफिट भी इसमें हुआ एंड ऑफ द डे तक। बाद में हमारा तीसरा स्टॉक सीमेंस है। तो सीमेंस हमारे सेल साइड के लिस्ट में था, तो ये हमें जब सेल साइड के सिग्नल दे तब हमें सेल करना था, ऐसे ही नहीं होता है जैसे ही मार्केट ओपन हो गया तो सेल कर दिया। तो बाद में इधर कहीं से देखो ये इसका रेजिस्टेंस हम मान सकते हैं, एक छोटा सा रेजिस्टेंस, बाद में यहाँ से नीचे आया तो एक अच्छा सा प्रॉफिट वाला ट्रेड हमें मिला है। तो ये भी हमारे सेल साइड के लिस्ट में था, तो एक अच्छा सा प्रॉफिट इसमें भी हुआ होगा अगर आपने ट्रेड लिया होता इसमें। बाद में हमारा स्टॉक था मदर्स एंड सुमी। तो मदर्स एंड सुमी में देख लेते हैं क्या होता है। तो मदर्स एंड सुमी क्या था, हमारी सेल साइड की लिस्ट में था, तो ये ओपन तो क्या है कि बुलिश में हुआ। देखो ओपन बुलिश में और थोड़ी 3-4 कैंडल इसने बुलिश साइड बनाई, बाद में देखो ये इसका रेजिस्टेंस की तरफ वर्क किया। देखो ये लेवल के ये नीचे आ गया, जैसे ये लेवल मतलब इधर क्या है कि कंफर्मेशन भी दिया है कि नहीं इधर से नीचे जा सकता है। तो अगर आपने कहीं इस साइड एंट्री ली होती तो आपको एक बढ़िया सा प्रॉफिट हो चुका। मेरी अगर एंट्री होती तो मेरे इस लेवल पे एंट्री होती, बाद में मेरा स्टॉप लॉस होता 137.50, मतलब ये जो हाई है इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहता। तो अगर मैं इसमें एंटर होता तो मेरे को इसमें एक बढ़िया सा प्रॉफिट हो चुका होता। देखो मार्केट में क्या होता है कि आपको देखना पड़ता है कि कौन सा स्टॉक क्या कर रहा है। आपने कोई स्टॉक बाय में लिया है तो वो जब बाय के सिग्नल दे तभी आपको लेना है, कोई स्टॉक सेल में तो वो सेल के सिग्नल दे तभी आपको लेना है। ऐसे कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो स्टॉक है वो उल्टा चलने लगते हैं, हम के बाइंग वाले स्टॉक सेल में आ जाते हैं, सेल वाले बाइंग में आ जाते हैं, तो उस दिन हमारे कोई ट्रेड नहीं होता। इन सिंपल आप वॉच लिस्ट बना रहे हो तो जिस साइड की वॉच लिस्ट है उसी साइड के ट्रेड लो। तो ये हो गया आज के लिए। तो हम देखते हैं कल के लिए क्या हमारी रणनीति होगी, कल कौन से बाइंग वाले स्टॉक होंगे, कल कौन से सेलिंग वाले स्टॉक होंगे। और क्या है कि हमने एक निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस का भी वीडियो डाला है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, सो आपको एक पता चले कल बैंक निफ्टी और निफ्टी किस साइड मूव कर सकता है और कौन से उसके सपोर्ट रहेंगे, कौन से उसके रेजिस्टेंस रहेंगे। तो चलिए चलते हैं अब कल की वॉच लिस्ट क्या होगी। तो जो मेरा पहला स्टॉक होगा तो वो पहला स्टॉक होगा मेरा UPL। अभी UPL क्यों होगा वो बता देते हैं हम। तो देखो अगर मैं इसको वन डे पे करता हूँ तो देखो इधर एक UPL बढ़िया सा डाउन साइड देखने को मिला, बाद में क्या है कि थोड़ा रिवर्सल देने का ट्राई कर रहा है, तो इसने क्या है कि एक ग्रीन कैंडल बना दिए। तो बाद में मैं सोचता हूँ तो ये थोड़ा और ऊपर जा सकता है, इसीलिए मेरे वॉच लिस्ट में UPL है बाय साइड के लिए। UPL को मैं बाय साइड लेके जाऊंगा। बाद में मैं क्या है कि एरोबिंदु फार्मा को देखूंगा, एरोबिंदु फार्मा क्यों है वो देख ले, वन डे पे इसको कन्वर्ट कर लेते। तो ये सिंपल सी बात है, ये देखो इतना बड़ा डाउन ट्रेंड, बाद में इधर एक पैटर्न भी बना है, गैप है, गैप भी फिलिंग हो चुका है, और जो है कि फिर से इसके बाद ग्रीन कलर के कैंडल। तो मेरे को लगता है अगर ये उसको और नीचे भी जाना होगा तो इसको क्या है कि थोड़ा अभी और ऊपर आएगा बाद में नीचे जाएगा। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा ये ऊपर आएगा, अगर ये इसको नीचे जाना है तो थोड़ा और ऊपर आएगा बाद में नीचे जाएगा, तो ये थोड़ा और ऊपर आ सकता है मेरे को ऐसा लग रहा है। तो ये मेरे लिए क्या है कि बाइंग साइड है, इसीलिए कल के लिए मेरे ये बाइंग साइड है और इसमें वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है, तो मैं इसको बाइंग साइड प्रेफर करूंगा।
बाद में मेरा तीसरा स्टॉक है वो अल्ट्राटेक सीमेंट है। अल्ट्राटेक सीमेंट क्यों? क्योंकि देखो ये थोड़ी सी डाउन साइड, बाद में क्या है कि ये इधर से अपसाइड थोड़ा सा सिग्नल दे रहा है, तो इसीलिए मैं इसको अपसाइड के लिए ले जा रहा हूँ। तो मेरे तीन स्टॉक हो गए वो बाइंग के लिए, यूपीएल, एरोबिंदु फार्मा एंड अल्ट्राटेक सीमेंट। बाद में हम सेल साइड की लिस्ट में आते हैं, तो सेल साइड में मेरा पहला स्टॉक होगा रिलायंस होगा। रिलायंस क्यों? देखो एक अच्छा सा मूव मिल चुका है, बाद में थोड़ा डाउन साइड भी देखने को मिला, बाद में फिर से अच्छा मूव मिला, तो मेरे को ऐसा लग रहा है जो रिलायंस का 1500 का लेवल है वो थोड़ा हार्ड होगा उसके लिए। अगर उसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो एक अच्छा मूव अपसाइड अपने को देखने को मिल सकता है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये इधर से थोड़ा और नीचे जा सकता है। तो मेरे लिए कल के लिए ये रिलायंस सेल साइड होगी, लेकिन आपको देखना पड़ेगा रिलायंस कल कौन सा मूव देखता है। अगर ये रिलायंस आपको कल सेल साइड सिग्नल देता है तब आप इसको सेल साइड लेके जा सकते हो। ये क्या है कि दोनों तरफ मूव कर सकता है, लेकिन ज्यादा पॉसिबल चांस है कि ये सेल साइड जाए। अगर ये सेल साइड सिग्नल देता है तब आप इसमें सेल साइड ले सकते हो। बाद में जो मेरा स्टॉक होगा सेल साइड के लिए वो आईसीआईसीआई बैंक होगा। क्यों होगा? नॉर्मल बात है, एक अच्छा सा अप ट्रेंड मिल चुका है, तो इधर से क्या है कि आपको अनडिसिजनल टाइप कैंडल दिख रही है, तो मतलब इसमें सेलर थोड़े एक्टिव हो चुके हैं ऐसा मेरे को लग रहा है। तो मैं इसको क्या है कि कल सेल साइड के लिए ले जाऊंगा। अगर ये क्या है कि कल रिट्रेस भी करता है तो भी हमें क्या है कि सेल साइड हम इसमें मूव कैचअप कर सकते हैं। अगर ये रिवर्सल दे दिया तो कोई और ही बात है, अगर ये क्या है कि रिट्रेस भी करता है तब भी हम सेल साइड इसमें मूव कैचअप कर सकते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा आईसीआईसी अगर सेल साइड देता है तभी आपको लेना है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अगर कोई भी स्टॉक हो जिस साइड भी आप ले रहे हो अगर उस साइड भी वो मूव दे तभी आपको लेना है, उसके उल्टा मूव दे तब आपको नहीं लेना। आईसीआईसीआई बैंक कल सेल साइड मूव देता है तब हम इसमें शॉर्ट करेंगे। बाद में जो हमारा लास्ट स्टॉक है वो मदर्स एंड सुमी अगेन है। मैं इसको रिपीट करूंगा, क्यों? सेम रीजन है कि ये आपको अपसाइड दिया था, इधर से क्या है कि एक अनडिसिजनल टाइप कैंडल बना दी, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये पूरी तरह से क्या है कि सेल साइड आया था। नो डाउट ये सेल साइड आया था, आपको क्या है कि प्रॉफिट भी हुआ है, लेकिन वन डे पे देख रहा हूँ तो ये अनडिसिजनल टाइप कैंडल बना रही है, तो इसको मैं और आगे लेके जाऊंगा, कल के लिए भी लेके जाऊंगा। अगर ये मैं फिर से कल मेरे को क्या है कि सेल साइड का सिग्नल देता है तो मैं इसको फिर से शॉर्ट करूंगा। इन सिंपल ये मेरी वॉच लिस्ट थी। जो मेरे बाइंग वाले स्टॉक है वो है यूपीएल, एरोबिंदु फार्मा एंड अल्ट्राटेक सीमेंट। जो सेल साइड वाले स्टॉक है वो है रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक एंड मदर्स एंड सुमी। आपको देखना पड़ेगा बाइंग वाले स्टॉक जब बाइंग में आए तब आपको लेना है, सेलिंग वाले स्टॉक जब सेलिंग में आए तब आपको लेना है, तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे। सो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। और जो हम सीरीज बना रहे हैं इंडिकेटर पे, बाद में हम स्ट्रेटेजी उसमें ऐड करेंगे, बाद में क्या है कि अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो प्राइज एक्शन भी ऐड करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।